मैंने आज से पहले बेब को सिर्फ एक बिस्किट खिलाया, लेकिन ये आज तक जब मुझे देखता है अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर देता है। भले वक्त में इसका भी घर था, परिवार था, लेकिन किस्मत बदलते देर नहीं लगती। अब इसके परिवार ने इसको क्यों सड़क पे छोड़ दिया ये तो हमें नहीं पता, पर सड़क पे आते ही इसकी हालत बहुत बिगड़ना शुरू हो गई। इसको पूरे शरीर पे खुजली हो गई, इसके सारे बाल झड़ गए। अब ऐसा नहीं है कि इस दौरान ये चिल्लाया नहीं, पर लोगों को ना शायद पता नहीं लगता। अगर उन्हें लगता है ना कि उन पे कोई चिल्ला रहा है तो वो उसको और धुतकार देते हैं। जब इसको यहाँ लाया गया तो जाहिर सी बात है हम तो समझते हैं कि ये किसी पे नहीं चिल्ला रहा था, ये दर्द के मारे चिल्ला रहा था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसने खुजा खुजा के अपने शरीर पे घाव कर दिए थे, उस घाव में मक्खियों ने बैठ के अंडे दे दिए थे, उस अंडों से कीड़े निकल के इसको जिंदा खा रहे थे। पर बेब की हालत इतनी खराब नहीं होती अगर कोई समय रहते सिर्फ ये सोच लेता कि ये सिर्फ किस्मत की बात है कि बेब को आज मदद की जरूरत है और वो इसकी मदद करने की स्थिति में है। क्योंकि देखिए आखिरकार किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। खैर राम जी की कृपा से बेब ने तो देर सवेर ठीक हो ही जाना है। जो दुखद बात है ना वो ये कि ये घटना बेब के साथ भारत में हुई। अगर चीन में हुई होती तो समझ में आता, भाई वहां तो लोग कुत्तों को जिंदा उबाल के खा जाते हैं, पर हमारा देश तो नरम दिल लोगों का देश है भाई। यहाँ तो नॉनवेज खाने वाले लोग भी मुर्गी कटते हुए नहीं देख सकते। तो अगर हमारा देश इतने अच्छे लोगों का देश है तो सोचने वाली बात यह है कि फिर क्यों बेब जैसे मासूमों के साथ इतनी अंधेरी घटनाएं हो जाती हैं। अब जब भी हम किसी को मुसीबत में देख के व्यक्तिगत तौर पे जितना कर पाए उतना करने की बजाय सिर्फ ये कह के मुंह मोड़ लें कि भाई इस देश का कुछ नहीं हो सकता, तो उस समय ध्यान रखिए हमारे बच्चे हमारा मुंह ताक रहे होते हैं और ये सीख रहे होते हैं कि भाई किसी की मदद ना करने में ही भलाई है। तो मुझे एक बात बताइए, जिन चिरागों ने कल इस देश को रोशन करना है, अगर हम उनमें तेल की बजाय पानी डालेंगे तो क्या वो रोशनी दे पाएंगे?